बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से चेन्नई और पुणे से 6 टीमों को पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्र में तैनात किया गया है। वाराणसी के सभी घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। गंगा में नाव का संचालन फिलहाल बंद किया जा चुका है। गंगा में सिर्फ बड़ी मोटर बोट ही चलाई जा रही हैं, तथा छोटी नावों के संचालन बंद होने से नाविकों के सामने रोजी रोटी का भी संकट है। वाराणसी पहुंचे पुणे के 6 अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम शामिल है और इस बाढ़ के कहर से लाखों लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 74,566 लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला है। इनमें से 70 लोग ऐसे भी शामिल हैं जो किसी पेड़ पर या फिर छत पर आसरा लिए हुए थे, बचने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें भी रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा यूपी के 16 जिलों में लगातार एनडीआरएफ की टीम बाढ़ राहत में लगी हुई है। बात अगर वाराणसी की ही करें तो यहाँ पर आसपास अभी भी बाढ़ के उतने गंभीर हालात नहीं हैं, पर वाराणसी में पेड़ कम होने से यहाँ समस्याएं हैं। पानी लगातार एक हफ्तों से बढ़ रहा है, बढ़ाव पर है। हर प्रतिदिन के हिसाब से 6 इंच पानी बढ़ रहा है और बढ़ाव जारी है। और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगता है कि ये भादों में, सावन में तो बाढ़ नहीं है, भादों में बाढ़ आएगा। और पूरे 84 घाट का संपर्क टूटा हुआ है और जितनी भी चाय पान की दुकान है, जितने भी तीर्थ पुरोहितों के पटरे हैं वो सब ऊपर है। और गंगा की जो आरती होती है वो निरंतर ऊपर होते जा रही है, रोज़ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जगह बदलते जा रहा है आरती, गंगा आरती का। पानी लगातार बढ़ाव पे इसमें चल रहा है। अगर बगल घाट पे जाने का रास्ता बंद हो गया है, जो विदेशी पर्यटन और जो भी लोग यात्री आते हैं उनका रोड का सहारा और गली का सहारा लेना पड़ रहा है। एक दूसरे का रास्ता बंद हो गया है घाट पे जाने का, बहुत सारी परेशानी बढ़ गई है। अब लगातार पानी बढ़ रहा है। इस समय छोटी नाव हम लोग इतने बंद कर दिए हैं और जो बड़ी बड़ी मोटर बोट है उसको चला रहे हैं और छोटी नाव का संचालन हम लोग बंद कर दिए हैं पानी बढ़ाव की वजह से। पिछले 28 सालों में उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड की बारिश हुई है। जो नेपाल का इलाका है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और पेड़ों के कटाव के कारण, नदियों के कटाव के कारण हमारे जो तराई बेल्ट के इलाके हैं वो पूरे के पूरे समस्त जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार राहत के काम कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टोटल 21 टीमें बाढ़ और राहत काम में दिन और रात लगातार लगी हुई हैं।